वेलकम बैक। मेरे ख्याल से एक भी ऐसा इंडियन पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसे मीठा खाना पसंद नहीं हो। चलिए इस मिठास को आगे बढ़ाते हैं अगली रेसिपी के साथ, विच इज गोइंग टू बी अ रसमलाई विद वाटरमेलन कारपाचियो। इस रेसिपी के लिए हमें दूध को फाड़ना है। दूध फाड़ने के लिए वी हैव टू टेक मिल्क इन अ पैन और इस मिल्क को उबाल देते हैं। थोड़े से मिल्क को बचाकर इस छोटे से बोल में रख लेंगे। जब तक ये मिल्क उबल रहा है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कुछ सैफरन है और थोड़ा गुनगुना दूध है। दूध के अंदर मैं इस सैफरन को डाल देता हूँ। आप देख रहे हैं कैसे फटाक से उसका दूध का जो रंग है वो एकदम मस्त सैफरन का हो गया, येलो येलो हो गया। और एक दूसरे पैन को लेकर हम ये बचा हुआ दूध जो है वो गर्म कर देंगे। थोड़ा सा मिल्क मेड जाएगा इस दूध में। इसमें डाल देते हैं एक चुटकी भर कार्डमम का पाउडर और ये जो बादाम, थोड़े कटे हुए बादाम है, उसे इस बोल में इकट्ठा कर लेते हैं। एक कटे हुए पिस्ताचियो है, उसे भी बोल में डाल देते हैं। और जब ये दूध गुनगुना हो जाए तो उसे निकाल देंगे और इस बोल में डाल देंगे और इस दूध को रख देते हैं फ्रिज में। तो चलिए हम चाशनी बना देते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में हमें लेना है पानी, और ये पानी लेकर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी शक्कर। इसको ढक्कन मार के बंद कर देते हैं एंड वी लेट इट बॉइल। तो सैफरन फोम बनाने के लिए हो गया क्रीम, इसमें डाल दिया मिल्क, उसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क मेड और इस छन्नी से हम सैफरन को इसमें स्ट्रेन करेंगे। यहां पर दूध ऑलमोस्ट बॉइल हो चुका है, लिक्विड को डाल दिया हमने फोमर में। वी जस्ट क्लोज इट ऑफ। इसमें डाल देते हैं विनेगर, सिरका। विनेगर से दूध कैसे एकदम फट गया है। इस वे को सेपरेट किया जा रहा है यहां पर इस प्रोसेस के साथ। इसे रख देंगे और उसमें ठंडा पानी डाल देंगे। इसे हाथों से ऐसे मसल कर आपने थोड़ा ठंडा होने के बाद उसके अंदर का जो कोई लिक्विड बचा हो वो पूरी तरह से निकाल लेना है। और एक साफ सुथरे बड़े प्लेट पर आप को इसे निकालकर मसल देना है। इसके ऊपरी तरफ ऐसे हाथ घुमाओ तो पूरा इकट्ठा होना चाहिए। दैट इज व्हेन दिस इज डन। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं हमने, जो रसमलाई के जो पेड़े होते हैं वो वैसे वाले पेड़े बनाएंगे। इसे पकाने के लिए तरीका बहुत ही आसान है। उबलते हुए चाशनी में आपने इसे इंसर्ट कर देना है। अब इस कंटेनर को ढक के रखना है हमने। तब तक हम काट लेते हैं वाटरमेलन को और देख लेंगे कहां तक हमारी रसमलाई पक गई है। देखिए कितना बढ़िया साइज हो गया इस रसमलाई का। इतने छोटी छोटी टिक्कियां डाली थी हमने। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रीठा, जो पानी में भिगाया है
उस रिठे के पानी को डाल देंगे इसमें और इसे वापस बंद करके रख देते हैं। ये जो वाटरमेलन के स्लाइसेस काट लिए हमने, उस वाटरमेलन स्लाइसेस के अंदर जो सीड्स हैं वो एक टूथपिक के सहारे निकाल लेंगे। प्लेट तैयार हो चुकी है, यहाँ पर हमारे रसमलाई भी रेडी हो चुकी है। रसमलाई के की टिक्कियाँ बन चुकी है और बहुत ही लाइट है ये। लेट अस ब्रिंग द चिल्ड मिल्क बैक। इस रसमलाई को हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। और ये छोटे छोटे जो हमने छोटे रसगुल्ले बनाए हैं उसे भी निकाल लेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है हमने। ठंडा करने के लिए आप चाहे तो उसे छोड़ सकते हो यहाँ पर या तो फ्रिज में रख सकते हो। और अब 10 मिनट हो गए हैं तो वी विल गेट द रसमलाई आउट ऑफ द फ्रिज। इन पीसेस को हल्के हाथों से उठाकर आपने इस मिल्क में डालना है और एक बड़े से फोर्क को लेकर पहले तो हम डाल देंगे एक स्लाइस वाटरमेलन का बीचों बीच, फिर उसके ऊपर लगा देंगे ये रसमलाई की टिक्की। वापस एक वाटरमेलन का स्लाइस आएगा यहां पर और उसके ऊपर और एक रसमलाई की स्लाइस और आखिर में ऊपर एक पीस वाटरमेलन का जाएगा। इसके ऊपर हम मारेंगे जो हमने फोम बनाया था सैफ्रन का और मिल्कमेड का, वो फोम मारेंगे इसके ऊपर। बढ़िया सा सैफ्रन फ्लेवर्ड फोम तैयार हो गया है प्लेट के ऊपर। उसके ऊपर हम डाल देंगे ये चॉप नट्स, ये जो कार्डमम की पाउडर है वो छिड़क देंगे प्लेट के बाजू की तरफ और ये एक टकाटक वाला डिजर्ट तैयार हो गया है आपको चखने के लिए। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। 4 सर्विंग्स केसर रसमलाई विद वाटरमेलन कारपाचियो एंड रबड़ी फोम बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 8.5 कप दूध को गर्म करके उसमें सिरका मिलाकर फाड़ लें। तैयार पनीर में से पानी छान लें और उसके पेड़े बनाकर चाशनी में उबालें। अब चाशनी बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में 17 कप पानी और 4 कप शक्कर को मिलाकर तेज आंच में उबालें। रसमलाई का दूध बनाने के लिए अब एक दूसरे पैन में 2 कप दूध, 8 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, 1 छोटा चम्मच बड़ी इलायची का पाउडर, 2 छोटे चम्मच कटे हुए बादाम, 2 छोटे चम्मच कटे हुए पिस्ता मिलाकर 10 मिनट तक फ्रिज में रख दें। सैफ्रन का फोम बनाने के लिए एक बोल में 1 कप मलाई, 1 कप दूध, 8 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, थोड़ा केसर मिलाकर दूध छान लें और फोमर में डालकर फ्रिज में रखें। अब तैयार रसमलाई को दूध में से निकालकर एक प्लेट में रखें। तरबूज, केसर का फोम, कटे हुए पिस्ता और बड़ी इलायची के पाउडर से गार्निश करके सर्व करें। Independence has taught us that freedom is beautiful if you treat it well. इतनी सारी रेसिपीज के साथ ये हमने अभी अभी चेक कर लिया है। जैसे कि आप जानते हैं, we are doing a contest with Milkmaid. आपको बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बनानी है Milkmaid को लेकर और उनमें से चुनूंगा मैं एक बेहतरीन क्रिएटिव और सिंपल रेसिपी जिसे मिल सकता है एक बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर। I'm truly amazed, I'm impressed with the kind of recipes you guys have been sending me so far. Aur unme se chuni hai maine ek behtareen recipe which is the winner of this time's hamper and the winner is
Congratulations, Satinder Bhatia, for the recipe condensed milk custard. Keep on writing to me on stylechef@foodfood.com and you can follow me on Twitter and Facebook as well. To call me, send me an SMS, type SC space CALL with your name and send it on the number flashing on your screen. And as always, keep the style on.